हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। तो गाइस, आपको इस चैनल पर यूट्यूब फेसबुक से रिलेटेड न्यूज़ और उन सब से हटकर जितनी भी डेली की इंटरेस्टिंग न्यूज़ होगी आपको इस चैनल पे मिलेगी। तो चलो गाइस, बढ़ते हैं हमारी फर्स्ट स्टोरी की तरफ। एमएस धोनी की तरफ से एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट आई है। एमएस धोनी बहुत जल्दी ही कॉलीवुड के अंदर एंटर करने वाले हैं। वो एज अ एक्टर नहीं, वो एज अ प्रोड्यूसर एंटर करेंगे वो कॉलीवुड के अंदर। अभी आईपीएल के लास्ट में ही ये अनाउंसमेंट हुई थी। और अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स, इनकी फिल्म में जो फर्स्ट एक्ट्रेस होंगी उनका नाम नयनतारा है, जो कि इंडियन फिल्म इंडस्ट्री की बहुत बड़ी एक्ट्रेस हैं, जिन्होंने तमिल, मलयालम और बहुत अलग अलग लैंग्वेजेस में काम कर रखा है। तो सही में यार, एमएस धोनी एज अ फिल्म प्रोड्यूसर, यकीन नहीं हो रहा। तो चलो गाइस, बढ़ते हमारी नेक्स्ट स्टोरी की तरफ, जो कि है सोफिया अंसारी की तरफ से। जो लोग इनको नहीं जानते, मैं इनकी फ़ोटो डाल देता हूँ। आपने इनको कहीं ना कहीं पे देखा ही होगा। ये बहुत बड़ी कंटेंट क्रिएटर हैं इंस्टाग्राम पे। इनके 9.8 मिलियन फॉलोअर्स थे इंस्टाग्राम पे। अब अगर आप इनका चैनल सर्च करोगे तो उस पर ये लिखाएगा, यूज़र नॉट फाउंड। इनका अकाउंट टर्मिनेट होने का रीज़न ये था, का अकाउंट डिलीट होने का रीज़न ये था कि इन्होंने अपने अकाउंट पे कुछ ऐसा कंटेंट डाल दिया था जो कि इंस्टाग्राम की गाइडेंस के खिलाफ था। तो इंस्टाग्राम ने इनका अकाउंट टर्मिनेट कर दिया। यार, 9.8 मिलियन वाला अकाउंट डिलीट होना, आंखों में आंसू तो आ गए होंगे दीदी के। तो चलो गाइस, बढ़ते हमारी नेक्स्ट स्टोरी की तरफ। गूगल ने गूगल ट्रांसलेट के अंदर 8 इंडियन लैंग्वेजेस ऐड करी है, जिसके अंदर संस्कृत भी है। और बाकी की जो 7 लैंग्वेजेस हैं मैंने स्क्रीन पर डाल दी है, आप पढ़ सकते हैं। हम इंडियंस के लिए प्राउड की बात है। संस्कृत अब तक बहुत रिक्वेस्टेड लैंग्वेज थी गूगल ट्रांसलेट के अंदर। फाइनली यार, गूगल ने हमको रिकॉग्नाइज करा। तो चलो गाइस, बढ़ते हमारी नेक्स्ट स्टोरी की तरफ। जोमेटो की तरफ से एक अच्छी अनाउंसमेंट आई है। जोमेटो के सीईओ ने बताया कि वो डोनेट करेंगे 700 करोड़ रुपीज़ फॉर एजुकेशन। पर ये जो डोनेशन होगी ये उनके खाली डिलीवरी पार्टनर्स के चिल्ड्रंस के लिए होगी। उन्होंने बताया कि वो डोनेट करेंगे 1 लाख पर चाइल्ड, पर उन्होंने एक कंडीशन भी रखी। उन्होंने बताया कि डिलीवरी पार्टनर्स को अगर 10 साल हो जाते हैं कंपनी के अंदर तभी उनको ये डोनेशन मिलेगी। चलो यार, जैसा भी है, पर एटलीस्ट किसी ने तो सोचा इनके लिए। तो चलो गाइस, बढ़ते हमारी नेक्स्ट स्टोरी की तरफ। केरला के अंदर एक नए तरह का इन्फेक्शन आ रहा है जिसने अब तक 80 चिल्ड्रंस को अफेक्ट कर दिया है। इस इन्फेक्शन का नाम टोमेटो फ्लू या फिर टोमेटो फीवर आप कुछ भी कह सकते हैं। इस फीवर के सिम्टम्स ये हैं कि अगर आपको रैशेज हो रहे हैं, खुजली हो रही है या फिर आपका हाथ लाल पड़ जाता है, तो ये टोमेटो फ्लू के सिम्टम्स हैं। अगर किसी को भी ऐसा इन्फेक्शन होता है तो प्लीज़ डॉक्टर को कॉन्टैक्ट करें। और केरला के अंदर अब तक 80 चिल्ड्रंस को हो चुका है। चलो गाइस, बढ़ते हमारी नेक्स्ट स्टोरी की तरफ। इंडिया टॉप्स इन द लिस्ट ऑफ मोस्ट यूनिवर्सिटीज़ इन द वर्ल्ड। इंडिया के अंदर सबसे ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ हैं जो कि 5288 हैं, और उसके बाद यूएसए आता है जिसके अंदर 3216 यूनिवर्सिटीज़ है। अब यार, इंडिया के अंदर इतनी सारी यूनिवर्सिटीज़ होने के बाद भी अनएम्प्लॉयमेंट इतना ज़्यादा, तो यार समझ नहीं आता फिर भी इतनी बेरोज़गारी कैसे है। एक 80 ईयर की ओल्ड अम्मा है जिन्होंने डोनेट करा है 1 लाख रुपीज़, जो कि उन्होंने अर्न किया था बैगिंग कर करके, मतलब भीख मांग मांग के उन्होंने अर्न करा था। और वो 1 लाख रुपये उन्होंने डोनेट कर दिया है टेम्पल के अंदर, जो कि एज अ चैरिटी उन्होंने डोनेट करा है। सीरियसली यार, बहुत अच्छा काम करा है। तो चलो गाइज, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।